Praise Lord. Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. दिन यगवा ने बनाया गे हम उसमें आनंदितू आनंदितू। आज का दिन यगवा ने बनाया गे हम उसमें आनंदितू आनंदितू। यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। सबको जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का महापर्व मनाती है। पेंतेकोस का दूसरा सप्ताह में, मतलब आने वाला सप्ताह, मतलब आज का दिन में हम लोग खासकर पवित्र त्रित्व का महापर्व मनाते हैं। इस दिन में विशेष रूप से इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, जो भाई बहन लोग आज के मिसा भेंट चढ़ाए हैं। डीकन विश्वजीत के परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके जितने भी रिश्तेदार हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि वे लोग ईश्वर के दिए हुए वरदान से स्वस्थ रहें और ईश्वर हमेशा उनको रक्षा करते रहे। और हम लोग भी प्रार्थना करेंगे मिस अनीता और उनके परिवार के लिए, और हम लोग भी प्रार्थना करते हैं मिस अनीता टोप्पो और उनके परिवार में जितने भी बच्चे हैं, उनके परिवार से जितने भी भाई बहन लोग, उनके बेटे बेटियाँ लोग कोरोना से पीड़ित थे और ईश्वर उनको चंगाई प्रदान किए हैं। वे लोग इस महामारी के लड़ाई से वे लोग मुक्त हो चुके हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और जय जयकार करते हैं। और धन्यवाद की मिसा बलिदान मार्टिन ए के परिवार की ओर से चढ़ाई जाती है। मार्टिन ए चढ़ाए हैं ताकि उनके परिवार में हमेशा ईश्वर की सुखी संपन्न बनी रहे। और आज हम लोग विशेष रूप से अजय कच्छप के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईश्वर उनको कोरोना से बचाया है और उनके परिवार को सुरक्षित रखा है। प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज को आज के मिसा बलिदान में वे लोग दान दिए हैं। आज हम लोग उन भाई बहनों को भी याद करते हैं जो भाई बहन लोग कोरोना से पीड़ित थे और वे लोग मुक्त हो चुके हैं और ईश्वर को धन्यवाद मिसा बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, तो उनको भी याद करते हैं। और जितने भी भाई बहन लोग
हम लोगों से प्रार्थना करने के लिए बोले हैं, उनको याद करते हैं। खासकर बेलीगुड़म में जितने भी हमारे हिंदी भाई बहन लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वे लोग खासकर इस महामारी से बचे हैं, ताकि प्रभु ईश्वर उनको हमेशा रक्षा करे और आगे जीवन में अपना शक्ति प्रदान करे। आइए हम लोग अपने अपने मतलबों को ईश्वर के समक्ष रखें और इस मिसा बलिदान में भाग लें। आप लोगों को हार्दिक स्वागत इस मिसा बलिदान, ऑनलाइन मिसा बलिदान में, ताकि आप लोग इस मिसा बलिदान में भाग लेकर ईश्वर की बड़ाई और चंगाई प्राप्त कर सकें। आइए हम लोग प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। सबों को जय यीशु, जय यीशु। और खोस खोस परब आपको भी। सभी को मेरे पीछे हाथ फैलाकर बोलेंगे, पिता की जय हो, पिता की जय हो, पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो, पिता की आराधना हो, पिता की आराधना हो, पिता की जय जयकार हो, पिता की जय जयकार हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की जय जयकार हो, यीशु की जय जयकार हो, पवित्र त्रित्व की स्तुति हो, पवित्र त्रित्व की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की जय जयकार हो, पवित्र आत्मा की जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र त्रित्व की महिमा हो, पवित्र त्रित्व की महिमा हो, पवित्र त्रित्व की आराधना हो, पवित्र त्रित्व की आराधना हो, पवित्र त्रित्व की जय जयकार हो, पवित्र त्रित्व की जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग जब पवित्र त्रित्व का महापर्व मनाते हैं, तो आज के खास दिन में हम लोग पवित्र त्रित्व के बारे में जानते हैं। मनुष्य मतलब जीवन के काल से, शुरू के काल से ही वे लोग ईश्वर की रहस्य को जानना चाहते थे। पीपल दे वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ गॉड, अबाउट द लाइफ ऑफ गॉड, हाउ गॉड इज लिविंग, एंड दैट इज व्हाट वी सी इन टुडेज बोथ थ्री रीडिंग्स ऑल्सो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग जब ख्रिस्तीय होते हुए भी जानना चाहते हैं कि प्रभु ईश्वर किस तरह से हम लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिया है, तो उनके बारे में, उनके रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। और खासकर ये त्रिएक ईश्वर क्या है, ये हम लोगों को खासकर कलीसिया मतलब हमारे ख्रिस्तीय भाई बहन जितने भी हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है कि पिता कौन है, पुत्र कौन है और पवित्र आत्मा कौन है। पिता जो यीशु का पापा, और यीशु पुत्र यीशु है, और पवित्र आत्मा यीशु के दिए हुए वरदान, और जो कोई भी यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा यीशु के नाम पर बोलता है कि मुझे आशीर्वाद प्रदान करे, शक्ति दे, मुक्ति दे, मतलब उसका आत्मा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सरल तरीका से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया, लेकिन आज के तीनों पाठों में हम लोग जब प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से पवित्र आत्मा मतलब शुरू के प्रार्थना में और अंत के प्रार्थना में हम लोग दोहराते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मतलब त्रित्व ईश्वर की वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, जय जयकार करते हैं। और हम लोगों को जब फाइनल अंतिम विसर्जन में हम लोग जब प्रीस्ट से चाहे पुरोहित से आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो यही प्रार्थना द्वारा, त्रित्व प्रार्थना द्वारा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग तीनों पाठों को देखते हैं, तो आज के तीनों पाठों के में हम लोग पर्व के संदर्भ में, संदर्भ के अनुसार पहला पाठ में हमें शक्तिशाली पिता ईश्वर के विषय में बताया गया है, जिसने इस अद्भुत सृष्टि की रचना की और महान चमत्कारों द्वारा इसराइल को बचाया। वह पिता एक शक्तिशाली ईश्वर है और उसके सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। ये पहला पाठ में देखते हैं। और दूसरा पाठ में हम लोग देखते हैं कि
आत्मा के विषय में बताया गया है। पवित्र आत्मा ईश्वर के बाहर नहीं परंतु हमारे भीतर बसने वाला ईश्वर है, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचलित हैं उनमें ईश्वर के जीवन का संचार है, और वह इस संसार से पूरे रहकर ईश्वर के पुत्र के मनोभाव के अनुसार जीवन बिताता है। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु के अंतिम आदेश के बारे में, जानते हैं कि जहां प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु जाते जाते पवित्र त्रित्व के नाम को उजागर करके जाते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग पवित्र त्रित्व का पर्व हमारे लिए त्रिएक ईश्वर को जानने का और प्रार्थना करने का सुंदर अवसर है, परंतु इस रहस्य या सिद्धांत को पूर्ण रूप से समझना हमारे दिमाग के बस की बात नहीं है, इसलिए हम लोगों को उसका रहस्य को जानने के लिए खासकर उनके सानिध्य में, उनके चरणों में, उनके हरेक जगहों में आराधना रचना करना जरूरी है। आइए हम लोग जब पवित्र त्रित्व का महापर्व मनाते हैं तो खासकर आज हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग उसका रहस्य को अच्छी तरह से भली भांति से जान सके। अगर हम लोग जानने की कोशिश नहीं किए हैं और जानकर हम लोग छोड़ दिए हैं, तो आइए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर हम लोगों को क्षमा करें और हमारे पाप को क्षमा कर हमेशा अपने साथ ले चले। आइए हम लोग थोड़ी देर मौन रहकर अपने अपने मतलबों को ईश्वर के समक्ष रखें, ताकि प्रभु ईश्वर हम लोगों का पाप को क्षमा करे और अपने यहाँ स्वीकार करे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको न जीवन प्रदान करे। आमेन। करो भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो भगवन दया करो हम पर, क्रिस्त प्रभु करो भगवन, क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, भगवन दया करो भगवन, करो हम पर भगवन दया करो भगवन दया करो हम पर।
ईश्वर की महिमा स्तुति गाएं। महिमा परमेश्वर की हो भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो भू पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरा प्रशंसा करते हैं धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो भू पर शांति सुजन को। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। इलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त है तेरा गुणगान गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो ऊपर शांति सुजन को। जग का पाप तू हर लेता है हम पर दया तू करते। जग का पाप तू हर लेता है हम पर दया तू करते। पिता के दाए विराजमान हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो ऊपर शांति सृजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो ऊपर शांति सृजन को। तू ही पावन तू ही प्रभु है तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन तू ही प्रभु है तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वपरि है तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो ऊपर शांति सृजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो ऊपर शांति सृजन को। हम प्रार्थना करें हे हमारे पिता ईश्वर हमें ऐसी कृपा प्रदान कर कि हम तेरे असंख्य वरदानों के लिए धन्यवाद दे। तेरे प्रति हमारा विश्वास बढ़ा दे तथा हम सबको स्वराज्य का सुख प्रदान कर जिससे हमारी अभिलाषा पूर्ण हो जाए। यह हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन।
पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 4 पद संख्या 32 से 34 और 39 से 40 तक। पाठ का मूल वाक्य है, एक ही ईश्वर है। ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो, पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाबुल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आँखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी को दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुना हो? आज जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ, तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुम को और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। स्तुति और आराधना करता मैं तू तुझसे हे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जाकूब, जो तेरे चाहे तू यहाँ पकड़। हाले हाले
दूसरा पाठ संत पौलुस रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र से पाठ अध्याय 8 पद संख्याएं 14 से 17 तक अध्याय 8 पद संख्याएं 14 से 17 तक। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है ये सब ईश्वर के पुत्र है। आप लोगों को दासों का मनभावना नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं अब्बा हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान है। यदि हम उसकी संतान है तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Hallelujah, 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 Hallelujah. प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार क्रिस्त की जय। संत मती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20 तक। अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20 तक। तब 11 शिष्य गलीलिया के उस पहाड़ी के पास गए जहां ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का दिव्य सुसमाचार क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों आप सबको फिर से एक बार जय यीशु और खुश खुश पवित्र त्रित्वा की महापर्व। मेरे प्रिय भाई और बहनों आज हम स्वयं परमेश्वर स्वयं ईश्वर का दिवस मना रहे हैं। ये गॉड का दिन है, ईश्वर का दिन है, क्योंकि हम लोग एक ही ईश्वर एक ही परमेश्वर में विश्वास करते हैं और एक ही परमेश्वर में तीन व्यक्ति हैं, तीन पवित्र व्यक्ति हैं, तीन जन हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। उन लोग एक ही ईश्वर है, तीन ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है, लेकिन
तीन व्यक्ति हैं, तीन जन हैं। और आज इसलिए मैंने कहा हम लोग ईश्वर का दिन, स्वयं परमेश्वर का दिन मना रहे हैं। एक ही ईश्वर जो इस सारे विश्व का, सारे जगत का, सारे दुनिया को बनाया है, सृष्टि किया है, परित्राण दिया है, मुक्ति दिया है, जीवन दिया है, सहायता प्रदान करता है, देखभाल करता है, हमारे रखवाली करता है, वो हमारा भला गडेरिया है, भला चरवाहा है। और उन्होंने हम सभी को अपने छत्र छाया में हमेशा सुरक्षित रखता है। तो आइए आज प्रभु का दिन मना रहे हैं तो खुश होकर, आनंदित होकर पवित्र त्रित्वा की एक भजन गाएं, पवित्र त्रित्वा की महिमा करें, उनकी गुणगान करें, यशगान करें, उनकी जय जयकार करें, क्योंकि आज पवित्र त्रित्वा के दिन हम लोग मना रहे हैं। और पवित्र त्रित्वा ही एक ही ईश्वर पिता ने सृष्टि करता है, पुत्र ने मुक्ति दाता है, परित्राण दाता है, और पवित्र आत्मा ने जीवन दाता है, संचालन करता है, और पवित्र त्रित्वा सबका रखवाला है, वो भला चरवाहा है, भला गडेरिया है। तो आइए प्रभु के आदर में, प्रभु को धन्यवाद देते हुए ये भजन को गाएं। जो लोग जानते हैं मेरे पीछे पीछे दोहराइए, पिता तेरा नाम भजता है मन, पिता तेरा नाम भजता है मन, पिता तेरा नाम, 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 भजता है मन पुत्र 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 तेरा नाम, 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 भजता है मन आत्मा तेरा नाम, भजता है मन आत्मा तेरा नाम, तेरा नाम आत्मा तेरा नाम, 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 भजता है मन त्रित्वा तेरा नाम, भजता है मन त्रित्वा तेरा नाम, भजता है मन त्रित्वा तेरा नाम, 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 त्रित्वा तेरा नाम,
तेरा नाम भजता है मन त्रित्वा 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 तेरा नाम मेरे प्रिय भाई और बहनों पवित्र त्रित्वा एक रहस्य है। ये एक रहस्य है जिसको ना तो आप ना तो मैं पूरी तरीका से समझ सकते हैं, लेकिन रहस्य का मतलब ये नहीं कि यह सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई है, ये बहुत ही बड़ा सच्चाई है। सबसे महान सच्चाई है कि एक ही परमेश्वर, एक ही ईश्वर और एक ही ईश्वर में तीन व्यक्ति हैं, तीन पवित्र पुरुष हैं, तीन पवित्र व्यक्ति हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। ये एक रहस्य है जिसको हम लोग अपने छोटे दिमाग को इस्तेमाल करके समझ नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करनी चाहिए, विश्वास भरोसा के साथ विनम्रता के साथ ये रहस्य के सामने हम लोग को सिर झुकाकर घुटने टेक कर विश्वास करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें आशीष कृपा मांगनी चाहिए ताकि हम लोग पवित्र त्रित्वा के समान बन सके, पवित्र त्रित्वा के समान अपना जिंदगी जी सके, पवित्र त्रित्वा के समान हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के एक दूसरे के साथ नाता बनाए, संबंध बनाए, रिश्ता जोड़े और एक दूसरे के साथ एकता में बने रहे। जैसे कि आप लोगों सुना होगा एक कहावत है, एकता में ही बल है, एकता ही बल है। और पवित्र त्रित्वा मतलब एकता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इंग्लिश में यूनिटी कहते हैं। यूनिटी, कम्युनिटी, कम्युनियन, यूनियन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच प्यार का संबंध है, प्यार का रिश्ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये प्यार का जो संबंध है, प्यार का जो रिश्ता है, प्यार का जो नाता है, वो तीन पवित्र पुरुष को, तीन पवित्र व्यक्ति को एक ही ईश्वर बना दिया है। और ये पिता पुत्र से प्रेम करता है, प्यार करता है, आत्मा से भी प्यार करता है, प्रेम करता है, पुत्र पिता से आत्मा से प्रेम करता है, प्यार करता है और आत्मा भी पुत्र से पिता से प्रेम करता है, प्यार करता है और प्यार के बंधन में सब लोग एक ही ईश्वर हम लोग की मुक्ति का विधान को पूरा किए हैं। पिता ने रचाया, पुत्र ने उसका काम पूरा किया और पवित्र आत्मा ने उसका सहायता प्रदान किया। उनके जरिए आज हम लोग को मुक्ति मिली है, शांति मिली है, चंगाई मिली है। इसलिए आज ये जो महापर्व हम लोग मना रहे हैं, आइए माता पिता भाई और बहनों, हम लोग पवित्र त्रित्वा हम लोग के लिए आदर्श बने ताकि हम लोग भी एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ें, एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ें, नाता बनाएं और एकता के साथ जिंदगी जिए, ताकि हम लोग का ये पर्व मनाने का, ये त्यौहार मनाने का बहुत लाभ होगा, फायदा होगा। अगर हम लोग के बीच में एकता नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, संबंध नहीं है, एक दूसरे को मदद नहीं करते हैं, तो ये पर्व मनाना बेकार है मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहनों। क्योंकि स्वयं परमेश्वर एक है, इसलिए हम लोगों को भी एकता के साथ रहना चाहिए। इसलिए आइए आज हम लोग ये मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, पवित्र त्रित्वा से आशीष कृपा मांगे, जैसे उन्होंने एक स्वयं ईश्वर होकर हमारे मुक्ति का विधान प्रकट किया और पूरा किया, हमको मुक्ति दिया, हम भी एक दूसरे के लिए मुक्ति का स्रोत बने। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, आइए प्रभु हम सबको आशीष और कृपा से भर दे, आमेन। सभी कोई खड़े हो जाएंगे,
स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उनके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए वो कुमारी मरियम से जन्म लिए उन्होंने पौंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा क्रूस पर चढ़ाए गए मर गए दफनाए गए अधोलोक में उतरे वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे स्वर्ग गए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवंत मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे वहाँ मैं पवित्र आत्मा पवित्र कैथोलिक कलीसिया धर्मिया की सहभागिता पाप की क्षमा शरीर के पुनर्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ आमीन। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों हम यहाँ एकत्र हुए हैं पवित्र त्रित्व का महापर्व में आइए हम लोग ईश्वर को स्वयं विश्वास करें क्योंकि वही एक हमारा परमेश्वर है और हमारा उत्तर होगा। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन हे पिता हमारी प्रार्थना सुन पुरोहित के साथ यहाँ उपस्थित कलीसिया में इस ख्रिस्तियाग द्वारा ईश्वरीय जीवन की वृद्धि हो इसके लिए हम लोग पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए हमारे धर्माध्यक्ष एंटोनी पोला और अन्य धर्माध्यक्ष पुरोहित और उनके सहयोगी अपने धर्म कार्य में प्रचुर कृपा और सफलता पा सके इसके लिए हम लोग निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन सभी राष्ट्रों के नेता विशेषकर भारत के शासक विवेक और सच्चे सहयोग से अपना कर्तव्य निभा सके इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन इस पवित्र बलिदान और हमारे सहयोग द्वारा प्रभु येसु ख्रीस्त हमारे सारे संसार का उद्धार करें इसके लिए पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन हम इस प्रभु भोज से पुष्ट होकर सब दिन दुखियों पर ख्रीस्त का प्रेम और दया दिखा सके इसके लिए पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन आइए हम लोग अपने अपने मतलबों को ईश्वर के समक्ष रखें और प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर हमारी शरण हमारे बल और दया के स्रोत अपनी कलीसिया के तीन प्रार्थनाएं सुन हमें यह कृपा प्रदान कर जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। भगवन उपकार में दिल की ममता स्वीकार लो भगवन तब प्रेम की बगे सरिदा सदा मिले हमें प्रभुता ये दाग रस रोटी भर लो विनती प्रभु सुन लो स्वीकार लो भगवन उपहार है दिल की ममता स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर तेरे प्रेम पर भरोसा रखकर हम ये उपहार तेरी पवित्र वेदी पर चढ़ा रहे हैं जिस संस्कार का समारोह हम पवित्र त्रित्व महा पर मना रहे हैं उससे हम तेरी कृपा प्राप्त हो और हम पवित्र हो जाएं यह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमेन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ में प्रभु में मन लगाए हम अपने प्रभु में मन लगाए हुए हैं हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें या उचित आवश्यक है हे पूज्य पिता यह परम उचित है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सब सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे जीव धन्यवाद दें अपनी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के द्वारा इन्होंने हमें पाप और मृत्यु की दासता से मुक्त कर दिया ऐसा गौरव प्रदान किया कि हम निर्वाचित जनता राज्य की याजक वर्ग पवित्र जाति तथा प्रभु की निजी प्रजा कहलाएं हे पिता हम समस्त विश्व में तेरे समर्थ की सामर्थ्य की घोषणा करते हैं क्योंकि तूने हमें अंधकार से अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर धन्य एवं जो आता है परमेश्वर के नाम परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम फैले पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर हे परमपिता तू वास्तव में पवित्र है सारी पवित्रता का स्रोत है हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु येशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए जिस रात को येशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सभी से लो और खाओ यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सभी से लो और पियो यह मेरे रक्त का कटोरा है नवीन और आनंद व्यवस्थान कर रहा जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा तुम मेरी स्मृति में यह किया करो पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति प्रभु
प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो, प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो, यह है हमारा विश्वास का रहस्य, प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो, ख्रीस्त मर गए ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ विरावेंगे, प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम तो अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में जीवन की रोटी तथा मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष एंटोनी पोला के लिए और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की विशुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की विशुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर, खासकर कोरोना से जितने भी भाई बहन लोग गुजर चुके हैं उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर प्रभु ईश्वर, उन पर और हम पर भी दया दृष्टि डाल कि हम सब भी अनंत जीवन के सहभागी बने, और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगन युग मिलती रहती है। भरोसा रखें, विश्वास करें, जो पवित्र त्रित्व का पर्व जिस तरह से आज मना रहे हैं, आइए हम लोग विश्वास के साथ एक ही ईश्वर पर प्रार्थना करें और भरोसा रखें, ताकि हम लोगों को ईश्वर हमेशा अपना जीवन दे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का हर आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तू हमारे पाप पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके आत्मा के साथ भी। आइए हम लोग परस्पर प्रेम भाव रखें और पवित्र त्रित्वा की शांति अभिवादन करें। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है हमें शांति प्रदान कर।
देखिए त्रित्व ईश्वर जो हम लोगों के लिए अपना दान दे दिए हैं, और यही ईश्वर मेमना बनकर हम लोगों का पाप को मुक्त किया है। धन्य हैं वे जो इस पवित्र त्रित्व ईश्वर पर भरोसा करते हैं और उनको ईश्वर भोज में बुलाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त। हम प्रार्थना करें, हे पिता, तू हमें अपने पुत्र का मांस खाने और उसका लहू पीने के लिए देता है। हमारी विनय है कि तू हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम केवल वचन से नहीं, कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमेन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सो शक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हमेशा आप लोगों के साथ बनी रहे। आमेन। जाइए पवित्र त्रित्वा के प्यार और सेवा में अपना जीवन बिताइए। परमेश्वर को धन्यवाद। एक बार सबों को जय यीशु। आप लोग सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।